नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। गोरी है इसलिए कांग्रेस की नेता बन गई सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को एक विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गोरी हैं इसलिए कांग्रेस की नेता बन गई। उन्होंने कहा कि अगर राजीव गांधी ने किसी नाइजीरियाई महिला से शादी की होती तो कांग्रेस पार्टी कभी उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करती। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने बयान पर सख्त एतराज जताते हुए गिरिराज से इस्तीफे की मांग की है। कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह को राहत। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राहत प्रदान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ओडिशा में तालावीरा दो कोल ब्लॉक को हिंडाल्को कंपनी को आवंटित करने संबंधी मामले में सिंह को बतौर आरोपी तलब करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत जरूरी मंजूरी के अभाव का उल्लेख करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को तलब किए जाने की वैधता पर सवाल उठाए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने समन पर रोक लगाई। सिब्बल ने यह भी कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन बिना किसी आपराधिक नियत के एक प्रशासनिक गतिविधि थी। एचआरडी समिति की सिफारिश, यूजीसी नाकाम संस्थान भंग करो। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने यूजीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे भंग करने की सिफारिश की है। एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से गठित कमेटी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से निपटने में यूजीसी नाकाम साबित हुआ है। कमेटी ने इसके स्थान पर नेशनल हायर एजुकेशन अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की है। पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ। पेट्रोलियम कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं। डीजल के दाम 1.21 रुपए और पेट्रोल के दाम 49 पैसे कम किए गए हैं। नया वित्त वर्ष आज से ही शुरू हुआ है। घटी हुई कीमतें बुधवार आधी रात से लागू हो जाएंगी। दिल्ली में अब पेट्रोल 60 रुपए और डीजल 48.50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम गिरने से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है। आईसीसी अध्यक्ष मुस्तफा कमाल का इस्तीफा। विश्व कप विजेता को ट्रॉफी प्रदान करने का मौका नहीं दिए जाने को अपने संवैधानिक अधिकार का हनन बताते हुए मुस्तफा कमाल ने बुधवार को आईसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कमाल ने ढाका के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खचाखच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अपना इस्तीफा आईसीसी को भेज रहा हूं। मुझे आईसीसी संविधान के दायरे में काम करने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों को क्रिकेट से दूर रहना चाहिए, ये लोग क्रिकेट को गंदा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आईसीसी चेयरमैन एन श्रीनिवासन ने आफ्रीडी कप्तान माइकल क्लार्क को यह ट्रॉफी सौंपी थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।